सलमान था, फिल्म लगान से किसके मिले थे दिल और गदर में किसकी हुई थी हवा टाइट। क्या गदर 2 की कास्ट हो गई है रिवील? जानने इन सभी मजेदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट कम दोस्त पंडिता पाठक, बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूँ आपका स्वागत। दोस्तों 20 साल पहले 2 सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई थी, पहली आमिर खान की लगान और दूसरी सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा। दोनों हालांकि फिल्म को अवार्ड नहीं मिल पाया था, वही सनी देओल की फिल्म गदर के प्रति लोगों में जो पागलपन था वो शायद ही किसी और फिल्म के लिए देखा हो। गदर फिल्म की कहानी अनिल शर्मा ने सबसे पहले धर्मेंद्र को सुनाई थी, इसके बाद इसकी कहानी सनी देओल के पास आई और इतिहास गवाह है कि उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय भी किया। इसमें उल्टी तरफ आशुतोष गोवारिकर की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान वैसे तो सबसे पहले आमिर खान को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया था। बाद में निर्देशक शाहरुख के पास गए, लेकिन शाहरुख ने भी इसे करने से इनकार कर दिया। आशुतोष एक बार फिर आमिर खान के पास पहुंचे और फिर आमिर ने इसमें काम करने के लिए हामी भरी थी। बता दें कि लगान और गदर दोनों में ही पैसा पानी की तरह बहा था, मतलब दोनों की मेकिंग में काफी खर्चा हुआ था। गदर और लगान फिल्म की यूनिट करीब 300 लोगों की थी। फिल्म की शूटिंग के नियमों को देखकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों सख्त थे, सही वक्त पर शूटिंग हो जाए इसके लिए नियम बनाए गए थे। पंजाब और लखनऊ के कुछ हिस्सों में शूट हुई इन फिल्मों में पानी की तरह पैसा बहाया गया था। लगान में आमिर खान का पैसा खर्च हुआ था, क्योंकि इस फिल्म के साथ आमिर ने बतौर निर्माता भी बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। गदर में जी ग्रुप का पैसा लगा था। लगान रील और रियल लाइफ में एक इंसान के असंभव सपनों और पैशन की कहानी थी। उस वक्त मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पीरियड ड्रामा क्रिकेटर्स की कहानियों का दौर नहीं था, लेकिन आमिर खान ने बॉलीवुड का ट्रेंड ही बदल दिया। वहीं गदर ने लोगों में फिल्म के प्रति पागलपन दिखाया। एक तरफ जहां लगान में दिल मिल रहे थे, तो एक दूसरी तरफ गदर में सनी के गुस्से से लोग डर रहे थे। लगान फिल्म के दौरान ही आमिर खान को किरण राव मिली थी, जो अब आमिर की एक्स पत्नी है, लेकिन सनी देओल के सामने अमीषा पटेल हमेशा डरी हुई रहती थी। सनी देओल को देखकर लोग सेट पर डरते थे, यहाँ तक कि फिल्म की हीरोइन अमीषा अपने डायलॉग ही भूल जाती थी। उन्हें शूटिंग से घंटे पहले बुलाया जाता था ताकि वो अच्छे से रिहर्सल कर ले, लेकिन सनी देओल के सामने आते ही उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था। बाप बेटे के बीच रियल जनरेशन गैप को दिखाया जाने वाला है, तो आप गदर 2 की नई कहानी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। दिस इज अनिता साइनिंग ऑफ, सायनारा।